हेलो लो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़ रहा है। मैं हूँ आपका होस्ट विकास और लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 30 मई को मिलने वाले फ्री रिवॉर्ड के बारे में। तो भाई लोग, आप सभी को जो है यहाँ पे कौन सी ग्लू वॉल स्किन लेनी है एंड कौन सा रिवॉर्ड आपको लेना चाहिए वो आपको बताऊंगा। एंड इनमें से सबसे रेयर एंड बेस्ट ग्लू वॉल कौन सी है, बेस्ट आइटम कौन सा है, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। साथ ही भाई लोग आपको मैं बताऊंगा कि आप सभी को ये वाला फ्री का इमोट कैसे मिलेगा एंड कैसे आप लोग जो है ये वाला इमोट क्लेम कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भैया आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सभी को जो कौन कौन से आइटम यहाँ पे लेने चाहिए एंड कौन सा सबसे मस्त है। तो भैया वीडियो को एंड तक देखना। एंड हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना, क्योंकि ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं एंड आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ब्लू एक्सचेंज के बारे में। तो यहाँ पे भैया ये जो इमोट है अपन को तो लॉगिन करने में दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको लॉगिन करके ले लेना है। इसके बदले में जो यहाँ पे अपन को बैकपैक मिलने वाला था, तो वो बैकपैक के लिए भाई लोग आपसे जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FFWWS ब्लू पास टोकन ये कलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोग जहाँ पे बैकपैक था वो बैकपैक एक्सचेंज कर पाओगे, जो कि आपको मैं बिल्कुल ही कन्फर्म यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे लॉगिन डे के बारे में। तो यहाँ पे भैया 30 मई को अगर आप लोग लॉगिन करते हो तो आप सभी को एक इंक्यूबेटर वाउचर, साथ ही एक डायमंड रॉयल वाउचर, साथ ही एक वेपन रॉयल वाउचर आपको बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पे दिया जाने वाला है। इसके बाद हम लोग बढ़ते आगे एंड बात करेंगे फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले भाई लोग आपको यहाँ पे जो है ये इमोट देखने को मिल जाता है जिसका नाम है कुंग फू इमोट। तो अगर आपके पास ये इमोट नहीं है एंड अगर आप लोग यहाँ पे इमोट लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आपके पास ग्लू वॉल बहुत सारी है एंड आपके पास इमोट नहीं है, तो आप लोग ये वाला इमोट ले सकते हो, क्योंकि ये इमोट काफी ज्यादा अच्छा है। एंड हाँ, ये जो सेकंड रिवॉर्ड है अपना जिसका नाम है लेट्स गो इमोट, इसको आप लोग बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये जो इमोट है एकदम घटिया इमोट है। एंड पिछली बार भी भैया गरेना ने जो है इस इमोट को अपन को फ्री में प्रोवाइड करवाया था, इस वजह से आप लोग ये वाला इमोट बिल्कुल भी चूज मत करना। एंड हाँ, अगर लेना है तो कुंफू इमोट लो, नहीं तो ये वाला इमोट बिल्कुल भी मत लेना। अब बात करते हैं गन स्किन के बारे में। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले जो गन स्किन है वो है हमारी लॉन्चर की। तो यहाँ पे जो लॉन्चर है ये एक लेजेंडरी लॉन्चर है एंड इसके अंदर आप सभी को डबल रेंज यहाँ पे मैगजीन प्लस मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी लॉन्चर स्किन नहीं है, आपके पास इमोट वगैरह है, ग्लूवल वगैरह है एंड गन स्किन वगैरह है, तो आप लोग यहाँ पे भैया ये लॉन्चर का स्किन ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास इमोट वगैरह नहीं है तो आप लोग इमोट पर जाना, जो चीज़ आपके पास ना हो भैया, जो चीज़ आपको दिल से पसंद आई हो कि हाँ ये मुझे लेनी है, वही चीज़ आपको लेनी है, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो आप सभी को कौन कौन से रिवॉर्ड पसंद आए हैं आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर बताना। इसके बाद यहाँ पे बात करूंगा MP40 की स्किन के बारे में। तो यहाँ पे भैया इस वाली MP40 का नाम है कार्निवल कार्नेज एंड इसके अंदर आप सभी को यहाँ पे डबल डैमेज तो नहीं मिलता है, फिर भी सिंगल डैमेज मिल जाता है एंड डबल एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मिल जाती है, यानी कि जो आपकी जो गोलियाँ हैं वो ज़्यादा यहाँ पे हिट होती हैं एंड ज़्यादा एक्यूरेसी की वजह से भैया कभी कभी गोलियाँ जो है लगती ही नहीं है, हिट तो होती है लेकिन डैमेज ही नहीं पड़ पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो MP40 की स्किन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये MP40 की स्किन भी आप लोग यहाँ पे भैया ले सकते हो, यानी कि भाई लोग आपको यहाँ पे 4 में से जो है यहाँ पे लेना चाहिए कुंग फू इमोट, या फिर आपको लेना चाहिए लॉन्चर, या फिर लेना चाहिए MP40 का स्किन। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ आप अच्छे से यूज़ करते हो, अगर आप लोग MP40 यूज़ करते हो, आपके पास कोई स्किन नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे MP40 की स्किन पे जाओ। अगर नहीं है भाई लोग तो आपसे मैं कहूँगा कि भैया लॉन्चर ले लो। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें वॉल की स्किन की, तो यहाँ पे अपन को 3 वॉल देखने को मिलती हैं, तो 3 में से सबसे अच्छी कौन है वो आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो रेड कलर की ग्लू वॉल है ये अभी तक की सबसे पुरानी ग्लू वॉल में से एक है, ठीक है। तो ये जो है सबसे पुरानी ग्लू वॉल है, इसका नाम है ऑरोस ड्रैगन। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो ज़रूर लेना। मैं तो यहाँ पे 2 ग्लू वॉल में से एक ग्लू वॉल का सोचा हूँ, एक मैं सेकेंड ID पे लूँगा, एक मेन ID पे लूँगा। तो मेन ID पे मैं कौन सी लूँगा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो मेन ID पे भैया मैं लेने वाला हूँ रेड कलर की ग्लू वॉल, जो कि यही ग्लू वॉल होगी, ठीक है। एंड ये ग्लू वॉल भैया अभी तक बहुत कम बंदों के पास है, जो लगभग पुराने प्लेयर्स हैं उन्हीं बंदों के पास ये ग्लू वॉल आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो ग्लू वॉल है अभी तक किसी भी वेरिएंट में रिटर्न बैक नहीं आई है। एंड ये जो ग्लू वॉल आप लोग देख पा रहे होंगे जिसका नाम है ड्रैगन सील, ये ड्रैगन सील वाली ग्लू वॉल कुछ दिन पहले भैया यहाँ पे ग्लू वॉल पार्टी इवेंट में आई थी या फिर किसी और इवेंट के अंदर डाली गई थी। तो आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे ड्रैगन सील के ले सकते हो। एंड हाँ, अगर मेरा ओपिनियन मानो तो आप लोग यहाँ पे रेड वाली लेना, क्योंकि ये जो ग्लू वॉल की स्किन है ये कभी भी रिटर्न बैक यहाँ पे गरीना दे सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये वाली ग्लू वॉल की स्किन पे जाओ। एंड हाँ, जो बीच वाली ग्लू वॉल की स्किन है ये तो एकदम घटिया है, इसको लेने से कोई मतलब नहीं है। एंड वैसे भी मेरे पास
पास पहले से है, तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ये वाली लूंगा या फिर यहाँ पे मैं सेकंड वाली लेने वाला हूँ। तो मेरा जो ओपिनियन है आप लोग से मैं कहूँगा कि आप लोग अगर अभी तक सेकंड आईडी नहीं बनाई है तो एक सेकंड आईडी बना लो, उस पे एक पे ले लेना रेड वाली ग्लू वॉल, एक पे ले लेना ब्लू वाली, मतलब ये वाली ले लेना ड्रैगन सील, तो दोनों ग्लू वॉल आपके पास हो जाएंगी। तो ये वाला टिप्स आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आप सी के पास फ्री फायर की कितनी आईडीज़ वगैरह हैं वो भी मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ गाइस, करीना ने जो है एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दिया है सभी यूट्यूबर्स के ऊपर कि आप लोग जो है यहाँ पे बाहर के इवेंट वगैरह नहीं दिखा सकते हो। तो अभी जो है भाई लोग यहाँ पे मैं मेन चैनल पे उतनी ज़्यादा इवेंट वगैरह की वीडियो नहीं डालूंगा, अब जो वीडियोस वगैरह आएंगी इवेंट की और भी अपडेट की वो आएंगी हमारे सेकेंड चैनल पे। तो मेरी आप सभी भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सेकेंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह हैं, जो भी कोई न्यू इवेंट आने वाला रहेगा, जो भी कोई नेक्स्ट टॉप इवेंट आने वाला रहेगा वो मैं डालूंगा सेकेंड चैनल पे। तो भैया अभी जो हमारा मेन चैनल है वो हम थोड़ी देर के लिए ज़्यादा उस पर वीडियोस नहीं डालेंगे, जो कोई कंफर्म इवेंट रहेगा इंडियन सर्वर में वही डालेंगे, क्योंकि भैया गरीना जो है सीधे यहाँ पे स्ट्राइक दे रहा है एंड अपन जो है मेन चैनल को रिस्क में नहीं डाल सकते, क्योंकि भैया एक साल की मेहनत के बाद जो है हमने अपना चैनल 1,00,000 तक पहुँचाया है। तो मेरी सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है अगर आप सभी को अपडेट्स वगैरह जाननी है सारी की सारी तो आप लोग हमारे सेकेंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ये है भैया हमारे सेकेंड चैनल का फोटो, तो जल्दी से सभी लोग जाओ सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके रखना, जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। एंड अगर आप सभी का कोई भी डाउट रह गया है तो भैया इंस्टाग्राम खाली पड़ा हुआ है, जल्दी से जाओ फॉलो करो एंड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ लेना। एंड हाँ, जो बंदे यहाँ पे भैया बोलते हैं भाई रिप्लाई नहीं कर पाते हो तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि भाई लोग बहुत सारे मैसेज आते हैं, लगभग 500-600 मैसेज पड़े होंगे, मैं डेली चेक करता हूँ, जितना टाइम हो पाता है मेरे पास तो मैं सबके चेक करके रिप्लाई देता हूँ। तो आप लोग भी टेंशन मत लेना, आपका भी भैया रिप्लाई मैं ज़रूर से देने का ट्राई करूंगा। तो आज की वीडियो कन्फर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप सभी को हमारे चैनल पर ऐसी अपडेट्स मिलती रहती है एंड आगे भी मिलती रहेगी। एंड आप सभी को कुछ भी पूछना है एनीथिंग तो भैया इंस्टाग्राम खाली पड़ा हुआ है, एंड जिसने डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तुम्हारा विकास भाई मिलेगा तुमसे अगली वीडियो में, वो भी सेकेंड चैनल पर, तो जल्दी जाओ सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद गाइस।